हेलो फ्रेंड, जैसे कि आप सभी को पता है कि मैंने अलग कास्ट में शादी की है और लोगों ने उसका हुआ बना रखा है। तुम्हें हमसे हुआ है प्यार, हम दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे रीतिका बोध और शिवा पंडित की लव स्टोरी की कहानी के बारे में। रीतिका बोध की लव स्टोरी की कहानी आजकल सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा चर्चे में है। इसी वजह से रीतिका ने भी अपनी शादी से जुड़ी कुछ बातें शेयर की हैं, जिससे लोगों की कंफ्यूजन दूर हो जाए। रीतिका के फैंस का कहना है कि आपने बताया भी नहीं और शादी कर ली, वो भी अदर कास्ट में। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे रीतिका की कोर्ट मैरिज करने की असली सच्चाई। रीतिका बोध को अपनी शादी के लिए बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा। डार्लिंग लव मैरिज कराएंगे, किसी का न्योता नहीं होगा और जित तेरी बात आ जाएगी ना। आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी जो रितिका ने अपने घर से भागकर शादी कर ली? कौन है वो शख्स जिससे रितिका ने शादी की? जानेंगे आज की वीडियो में पूरी सच्चाई और साथ ही जानेंगे रितिका की लाइफ स्टोरी से लेकर सोशल मीडिया लाइफ तक की पूरी कहानी के बारे में। दोस्तों आज की वीडियो होने वाली है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो आइए दोस्तों देरी ना करते हुए वीडियो को कर दो स्टार्ट। रितिका का फुल नेम रितिका बोध है और निकनेम रितिका है। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के पिलखुमा में एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। इनकी फैमिली वाले इन्हें प्यार से रितिका कहकर बुलाते हैं। पर मैं तेरी आंखें कसूती, आई लाइक योर बाल, मखा चाल 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 मेरी गैला तू चाल। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं रितिका की फैमिली के बारे में। तो इनकी फैमिली में चार लोग हैं। इनके मम्मी पापा के अलावा इनका एक भाई भी है। रितिका के मम्मी पापा रितिका को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं रितिका के एजुकेशन के बारे में। तो रितिका ने अपनी स्टार्टिंग की पढ़ाई अपने होम टाउन पिलखुमा से की है। यंग टाइम में रितिका ग्रेजुएशन कम्प्लीट कर रही है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं रितिका के कैरियर के बारे में। तो रितिका ने अपने कैरियर की शुरुअत रील्स बनाने से की थी। 23 अप्रैल 2019 को रितिका ने अपना यूट्यूब चैनल क्रिएट किया था। इस पर इन्हें स्टार्टिंग से ही अच्छा रिस्पांस मिलने लगा था। इनका कॉमेडी कंटेंट लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आता था, जिसकी वजह से इनकी वीडियो तेजी से वायरल हो जाती थी। रितिका अपने रियल कंटेंट की वजह से आज सोशल मीडिया स्टार बन चुकी है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं रितिका की सोशल मीडिया पर फैन फॉलोइंग के बारे में। रितिका की इंस्टा आईडी रितिका बोध 15 के नाम से है, जिस पर 1.3 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोअर्स हो चुके हैं। इनका यूट्यूब चैनल रितिका बोध के नाम से है, जिस पर 2 लाख से भी ज्यादा सब्सक्राइबर हो चुके हैं। प्रेजेंट टाइम में रितिका की वीडियो ट्रेंडिंग में चल रही है। रितिका की कमाल की एक्टिंग की वजह से इनकी फैन फॉलोइंग तेजी से बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं रितिका की लव स्टोरी से लेकर कोर्ट मैरिज तक की पूरी कहानी के बारे में। रितिका फाइनली शादी के बंधन में बन चुकी हैं। इन्होंने 27 जनवरी 2022 को कोर्ट मैरिज कर ली। हस्बैंड का नाम शिवा पंडित है। रितिका और शिवा एक दूसरे को बहुत ज्यादा प्यार करते थे, लेकिन इनके घर वाले इस रिश्ते के खिलाफ थे। रितिका की फैमिली वाले नहीं चाहते थे कि वो शिवा से शादी करे, लेकिन रितिका ने अपनी फैमिली वालों की बात नहीं मानी और उनके अगेंस्ट जाकर कोर्ट मैरिज कर ली। रितिका की फैमिली शिवा को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, लेकिन ये दोनों एक दूसरे को बहुत ज्यादा प्यार करते थे और एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते थे। पहले तो रितिका ने अपनी फैमिली वालों को मनाने की कोशिश की, लेकिन जब वो नहीं माने तो रितिका ने डिसाइड किया कि वो शिवा से कोर्ट मैरिज करके अपनी अलग ही दुनिया बसाएंगी। डार्लिंग लव मैरिज कराएंगे, किसी का न्योता नहीं होगा और जित तेरी बात आ जाएगी ना। लेकिन रितिका की शादी को लेकर कुछ फैंस तो इनसे खुश हैं और कुछ फैंस इनसे नाराज हो गए। जो फैंस इनकी शादी को लेकर खुश हैं, वो फैंस इनको बधाई दे रहे हैं। और जो फैंस रितिका की शादी करने के तरीके को सही नहीं मान रहे हैं, वो रितिका की वीडियो पर निगेटिव कमेंट कर रहे हैं। जब रितिका ने अपनी शादी को लेकर निगेटिव कमेंट देखे तो उन्होंने लाइव आकर बताया, हमने अपने घर वालों की मर्जी से कोर्ट में शादी की है। मैं और शिवा कोर्ट में शादी करने के लिए गए हुए थे, तो मेरे मम्मी पापा भी मुझे आशीर्वाद देने
लेने गए थे, लेकिन मैंने जल्दी जल्दी में अपने मम्मी पापा के कोर्ट की वीडियो नहीं बना पाई जिससे कि मैं आपको सबूत दे पाती। मैंने केवल अपनी और शिवा की ही वीडियो बनाई। इनका बताती है कि मैंने सोचा था कि मैं आप लोगों को सरप्राइज दूंगी, लेकिन आप लोग तो गलत समझ बैठे। इनका का कहना है कि प्लीज मुझे गलत मत समझो और मुझे निगेटिव कमेंट करना बंद करो। कोर्ट मैरिज की डाली है तो उसमें मुझे कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि तेरे भाग के शादी कर लिया है माँ बाप। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि रीतिका सच बोल रही है फिर झूठ? कमेंट करके जरूर बताना। तो अब बात कर लेते हैं रीतिका के कंटेंट के बारे में। तो रीतिका डांसिंग वीडियो, लिपसिंग वीडियो और कॉमेडी वीडियो के लिए फेमस है। बात करें इनके प्रोफेशन के बारे में तो ये सोशल मीडिया स्टार, इन्फ्लुएंसर, एक्टर, मॉडल, डांसर है और साथ ही एक यूट्यूबर भी है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं रीतिका की फेवरेट थिंग्स और हॉबीज के बारे में। तो रीतिका को वीडियो बनाना, एक्टिंग करना और डांसिंग करने का बहुत ज्यादा शौक है। इन्हें ट्रेवलिंग करना, शॉपिंग करना और मस्ती करना बहुत अच्छा लगता है। रीतिका की हैबिट की बात करें तो रीतिका खुश दिल और गुड नेचर की है। तो दोस्तों ये थी रीतिका की लव स्टोरी से लेकर सोशल मीडिया लाइफ तक की पूरी कहानी। या दोस्तों आप भी रीतिका के फैन हैं और आपको रीतिका की शादी को लेकर क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए दोस्तों अब देख लेते हैं रीतिका बोन ने अपनी शादी को लेकर क्या क्या बातें शेयर की और उन्हें कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा। वीडियो देखने से पहले अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मुझे शादी करने में कितनी दिक्कत आई और घर वालों को बनाते बनाते मुझे कितने साल होगी, कैसे कैसे करके मैंने शादी की, वो भी कोर्ट मैरिज, उन सब की मैंने एक वीडियो बना रही है। मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी लेकिन ये दोबारा वीडियो बनाई, इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो पहली वाली वीडियो में नहीं थी, उन सभी का डाउट मैंने क्लियर किया है इस वीडियो में। तो मेरे बायो में लिंक है मेरी वीडियो का, वहां जाओ क्लिक करो, मेरी पूरी वीडियो देखो। और जो लोगों ने हवा बना रखा है ना, इसे बहम को निकाल दो उस वीडियो को देख के, ठीक है? मैंने सोचा क्या था, हो क्या गया, वही चीज है ना जो सोचते हैं। अच्छा।